नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, व्रत ही तप है या उपवास भी है, हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है और उपवास में शारीरिक विकारों को। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के संयम का नवरात्रि में पालन करना जरूरी है, अन्यथा आप नवरात्रि में व्रत या उपवास ना ही रखे तो अच्छा है। व्रत के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्कंडेय और देवी पुराण के अनुसार देवी पूजा और व्रत उपवास नियम के अनुसार ही करने चाहिए, वरना इनका फल नहीं मिलता है। पुराणों के अनुसार इन 9 दिनों में पूरे संयम से रहना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति तो बढ़ती ही है और माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं। जानिए कैसे करें पूजा और इन खास बातों का रखें ध्यान। व्रती सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलवाएं। ऐसा न हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और माता जी के चरणों में वो जल छोड़ दें। उसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताजा पानी और दूध से माता जी को स्नान करवाएं, फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। कभी भी भोजन करने, दूध या रस पीने के बाद माता जी की पूजा नहीं करना चाहिए। माता की पूजा झूठे मुंह नहीं करते हैं। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करें, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज और झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में छोर कर्म न करें, यानी बाल और नाखून न कटवाएं और सेव भी न करवाएं। इनके साथ ही तेल मालिश भी न करें। नवरात्रि के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियम पालन नहीं हो पाते हैं। नवरात्रि में झूठ न बोलें और गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं न आने दें। अपनी इंद्रियों को काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को न आने दें। इन 9 दिनों में स्त्री संग संयम वर्जित माना गया है। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें। इन 9 दिनों में बुरा देखना, सुनना और कहना छोड़ दें। इन 9 दिनों में पवित्रता का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का भी अपमान न करें। नवरात्रि में कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है। उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।